कौन है भला, बतलाओ कैसे। ऐ ख्वाहिशों को बार बार देखूं, डर लगता है उनको बुलाऊं कैसे। रूठे रब महफूज तो करूं सजदे, रूठे पिया बताओ मनाऊं कैसे। तुसा दोस्तां प्राणी चाद ने मुताबक जरा थोड़ा जा टाइम है हिजरों मजाद में रंग शेर मेरे मोहतरम आजाद सागर ने लिखे होया आवाज से आएंगे। सजड़ से जिसले मुश्किल वक्त आया तो वो ही सजड़ सजड़ा तो कंड फेर गया। जनाब चौधरी यासर साहब तकी कलाना जना तलक मजहब में तशरीफ फरमाए, मैं अपनी तरफों खसूस बिलखसूस चौधरी अहमद खान साहब और तमाम अहलियाने खिजर इंतजामिया दरबार कमेटी सारे तरफों खुश अमरीद आखना। दीगर इनाराज जितने दोस्त है बाबर सारे की खुश अमदीद। भाई सजड़ किनारा कर गए लेकिन आखे दोस्त तू असा की मायूसियां और रसवाइयां दीदिया, लेकिन एक वक्त आसी जिड़े आज तेन चढ़ने पे ओ भी तेरे तू किनारा कशी करी जा सन, फिर तेन किसे नहीं पूछना। बड़ा प्यारा जे शेर शायद इसलिए तो पहले तू सके सुनिया वे शहर निकलना मुठी दिखी आवाज की थी। Oh.
शरीका ने चुप करके तेरी खातरी लगानी सी रहा ते केड़ी गल हुई ओ तेरे प्यार विच सब कुछ लुटा जिंदगी वीरान में जी रहा तो बड़ा अच्छे शेर मलिक साहब पेश किया था इस तरीके से आवाज हुई के आओ मैं नहीं कहना पर वक्त तो ये जरूर आसी हाय मैं नहीं कहना पर वक्त तो ये जरूर आसी वो तेरे जबर ना टूट सी बरू चौधरी यासर चौधरी बलाल मोहतरम भाई नमान ताहिर साहब मोहतरम चौधरी आबद साहब मोहतरम अरसलान साहब असीब अवैस मुलाजम साहब भाई जमाल साहब भाई जैद साहब भाई उमर साहब और भाई एहसान एंड भाई नासर इन्होंने चाहता कि शेर अपनी मर्जी का कोई सुनाओ शेर ऐसा है कि जेड़ा दिले की चंगा लगे मैं कोशिश कर सा के शेर लखियो सुना जेड़ा मी आपा की भी चंगा लगना होगा इंशाल्लाह इना दोस्ता की भी शेर चंगा लगसी एक शहर ना बड़ा प्यारा जा खोल के तेरी मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने जनाब चौधरी यासर साहब असारी बजू में तशरीफ फरमाए दीगर इन नाल जितने दोस्त सहबाब और सारे की खुश अमजीद आखने हैं उर्दू ने शायर कौल कि तेरी मोहब्बत का यकीन कर लिया हमने फूलों में छुपा हुआ खंजर नहीं देखा इन सारे सबारा निकसान जनाब चौधरी यासर चौधरी बिलाल नुमान साहब ताहिर साहब आबद साहब अरसलान साहब असीब साहब अवैस साहब मुलाजम साहब जमाल जायद साहब उमर साहब एहसान साहब और नासर साहब इन्होंने इंसान के मुताबिक आखे दोस्ता जिस दिहाड़े ने तुहाड़े नाल दोस्ती लाई कदम कदम उत्ते दुख और मुसीबत भी है चलिया एक पल भी सुख और चैन नहीं पाया भाई किस तरह आवाज भी तरीके ना दिती वैसे तो चौधरी साहब ज्यादा बतर्ज बैठ शेर सुनने होने चूंकि शेरों का सिलसिला आना जारी है इन्होंने इंसान है कि शेर ही होगा कोई अपने इंसान का आवाज तू जिस तरीके ना दिती जदू दी लाई नहीं चैन पाया सुख मुड़ के फिर नहीं आथे आया आपे ला परीत ते हट गए ओ जदू दी लाई नहीं चैन पाया सुख मुड़ के फिर नहीं आथे आया आपे ला परीत ते हट गए ओ रोंदा विच फराक ने सट गयो ततकिया झूठे प्यार विच कुछ ही गई यार रह सो उस दे इजर
किसी गले ना पाया किधरे ए तकिया झूठे प्यार विच मुझे कदर ने प्यार दा फुल पाया जिस दे उते सी मैं इतबार कीता आखर उसने मैनू खवार कीता ततकिया झूठे प्यार विच कुछ भी नहीं अणवे रोंदा रिया ते गुजर गई उम्र सारी सजना पुछया नहीं आके सारी जिंदगी रोने गुजर गई लेकिन सजन एक बार भी अड़ गया की गल पूछी कि रोने क्यों रोने की वजह ने दसो भाई किस तरह रोंदा रिया ते गुजर गई उम्र सारी सजना पूछिया नहीं आके एक बार जरा तरस ना उस जलाद कीता अपना आप बर्बाद सजाद कीता ए तकिया झूठे प्यार विच लेकिन एक चीज झूठे प्यार थी है कि सुकून बर्बाद हो जाना परेशानियां हर वे सिरा दरणियां साढ़े भाई चौधरी यासर साहब लोग टकी चौधरी बलाल साहब और नमान साहब ताहिर साहब आबद महमूद और मेरे भाई नासर महमूद अरसलान और असीफ और अवैस साहब मुलाजम साहब और जमाल साहब मेरे भाई जैद साहब और उमर साहब और मेरे भाई एहसान साहब इन्हें दोस्तों फरानी चाहत मुताबिक एक शेर इस उर्दू ने शायर लिखा था कि दिल तोड़ते हैं जो दुनिया में किसी का दिल तोड़ते हैं जो दुनिया में किसी का कहते हैं कबूल उनकी इबादत भी नहीं होती इस मलक साहब शेर पेश किया कि इस झूठे प्यार विच कुछ भी नहीं आवाज आई गए टकिया रे ओ इस प्यार की पूछो ना गल कोई
मोहतरम पैर साहब चौधरी आमद साहब अरसलान साहब असीब साहब अवैध साहब मुलाजम साहब जमाल साहब और जायद साहब उमर साहब एहसान और नासिर साहब इन्होंने इंसान मुताबक आखिर सारी जिंदगी जिस सजन की सेवा करने गुजर गई जिस वेल मुश्किल ना वक्त बनाया तो किनारा कशी करी गया भाई किस तरह तुम्हारे पूछ लेने से न जी बातें न मर जाते आयादत रस्में दुनिया की चले जाते तो क्या जाता ये गल आवाज आएंगे तकदीर निकली
सदियों या वो इस हसरत विच जिंदोए तकदीर निकली सारी उम्र दी ओ खोल कमाई दसा ते बाद मरण जो मेरी जागीर निकली ते मौला बख्श कुछ खत सन दोस्तां ते वो या उस सोग दी इको तस्वीर निकली सारी उम्र दी खोल कमाई दसा बाद मरण जो मेरी जागीर निकली मौला बख्श कुछ खत सन दोस्तों के या उस शोक की इको तस्वीर निकली तो मेरे मोहतरम नदीम सिंह अमृत सरकार उन्होंने लिखी गल आवाज सुनाएंगे यादगार लम्हे ओ यारो जिंदगी दे तबिया कागज तय करना तरीरा में दोस्तों के साथ है भाई अजना तू छोटी तकदीर में मेरा याल अहवाल की कुछ नहीं हो और रोना अमरा दा जिता दिलदार यत्थे चकर सी दुनिया जो रोशन अनेर मेरी वो लगदा ओ कोई माहे तनवीरा में कर सी दुनिया जो रोशन अनेर मेरी लगदा ओ कोई माहे तनवीरा में इस इश्क़े मोहब्बत ने खेल अंदर ओ मैं ते बाग दीवाने आ कई बारी ते इस हिजर दी पथरीली जमीन उत्ते वो मैं वसते 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 करदा कमीरा मैं इस इश्क़े मोहब्बत ने खेल अंदर मैं तवांग दीवाने आ कई बारी इस इधर दी पथरीली जमीन उते मैल वसल दे करना तामीर में आखिरी मकाम का लिखा इसने लिखा के मेरे सजना रही आसोए वफा दी यार वेले कदू आसा उम्मीदा ने तोड़ चढ़िया ते जिसनू सजना ठुकराया फिर देख जिंदा तस्वीर में आने प्रोग्राम का तावन अफजाल मूवी मेकर अडियाला रोड गोरखपुर स्टाफ रावलपिंडी जेडे आने प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्ड में करने ये प्रोग्राम अफजाल मूवी यूट्यूब चैनल पर भी दिखाया जा सी यूट्यूब चैनल अफजाल मूवी के नाम पर आने प्रोग्राम तुसा तक सकने हो और भी नित नवे तो नवे प्रोग्राम तक सकने हो साढ़े भाई नो जिया साहब साउंड ऑपरेटर एहसान साउंड सिस्टम अडियाला रोड और इसे शेर नजा शामिल करता मोहतरम चौधरी यासर चौधरी बिलाल चौधरी इमान भाई ताहिर साहब आबद साहब अरसलान असीम अवैस भाई मुलाजम साहब जमाल साहब जाहिद साहब उमर साहब और एहसान एंड नासर साहब इन्हें इंसान मुताबक बड़ी प्यारी जीरो भाई शायद ही कलम मुठ्ठी रखी गल तहरीर की आना रुत रानी है रुत की बादशाही बंदे का जोबन जवानी होनी ना वक्त होना ना जिस वेले सारिया खेडा होनिया जिस वेले वक्त नहीं रहना उस वेले संगी दोस्त सब किनारा करी जाने लेकिन शायर ने कलम उठी लेकिन गल तहरीर की रुत रानी है रुत दी बादशाही फल मौसमा दा गल वेले आगे ते सदा ऐश नशा ते नसीब किस दे चार दिन ओदी मौज मेले आगे ते रंगत सबजे रौनक होना जिस वेले खत्म होना
थोड़ा जा रंग बदलाना तो उस वेले उसनी जिंदगी घर तमाम की थी जानी। इसे गल तर्जमानी शायर नी रंगत सबद जा सुर्खी वाले मायले वे कट वट जाती फसल के ले आते। रंगत सबद जा सुर्खी वाले मायले वे कट वट जाती फसल के ले आते। फिर कि गल होनी लखा चई जवानी बिच पैरी बाज जाके रह जाती चार ते ले आते। क्यों जिस वे बेपरवाह सजन यारी लगी हुए तो दैम इकबाल दैम सरकार ने कल मुठी ने कि तहरीर की थी। ओ साड़ी बेपरवाह दे ना यारी वा साड़ी बेपरवाह दे ना यारी वा साड़ी बेपरवाह दे ना यारी वा ताई नैया सवाल मद तो रोंदे वा ताई नैया सवाल मद तो रोंदे वा अपने वालों ता खिदमत रे करदे वा अपने वालों ता खिदमत शेर पेश किया। इस मकाम पे एक गल मोहतरम कमर अफजाल सरकार ने याद आ गई कि जिस टाइम बंदे पर जोबन जवानी हो गया दौलत ना नशा हो गया उसन हो गया जवानी हो गया तो यार भी बड़े बढ़ने तो जिस टाइम वीजा ना टाइम आ गया है तो सारे छोड़ छाड़ जाने। कमर अफजाल सरकार लिखा सा टली शाम तेले का रुख सुखा जया जी टली शाम तेले का रुख सुखा ध्यों डुबदा वेख के रोन लगा अज रात नेरी फिर ए पैन लगी रोशन दिन ओजल फिर अज आन लगा। कि जिस टाइम थोड़ा जा जवानी टल जानी है बुढ़ापे आए पास बंदे ने कदम जाने तो फिर जवानी के सूरज डुबने शुरू हो जाने शाम ना वक्त आ जाना अज रात नेरी फिरे पैन लगी रोशन दिल ओजल फिरा जोन लगा रोंदा रहा है बच्चा जो रात सारी। ये जोड़ी जिंदगी है चार दिन की इसकी तशबीह दी गई कि रोंदा रहा जो बच्चा है रात सारी बिल बलामदा रहा जो भुख दे नाल जालम भुख कर दिता बेहोश इसनू या फिर भुख नू मार के सोन लगा। जालम भुख कर दिता बेहोश इसनू या फिर भुख नू मार के सोन लगा। एक बड़ी काबले गौर जी गल अक्सर हो बेस्त तुसा दोस्तों पर हाँ इस माशरे की तकी भी उसी सरकार लिखा कि पुत्र चार ते बाबे दिया चार नूहां पुत्र चार ते बाबे दिया चार नूहां जिन्हां नू विआया सी चाह दे नाल। जिस टाइम किसी भी वालदैन ने बच्चे जवान होने तो उन्होंने ये ख्वाहिश होनी है कि अपनिया अखा ने सामने इन्होंने सिरे तक जाइए। लेकिन एक टाइम ऐसा होना मलक हसन जी के पुत्र चार ते बाबे दिया चार नूहां जिन्हां नू विआया सी शौक दे नाल दागदार पोशाक भी आप धोती तो पग सिरा दी आपे ही धोन लगा। ये वक्त वक्त की गल है खिजा जड़ा ते आई ते पे पीले जिस टाइम मलक जी पैसे मुकी गछन ते फिर जितने राह जुलने वाले मुसाफिर संगी बने होने जिस टाइम खिजा आ गछा फिर उन्होंने भी पत्ते सारे पीले हो जाने वो जरा सामने वाला या बाहर वाला मौसम होना खत्म हो जाना। खिजा जड़ा ते आई ते पे पीले पत्तर सारे ही सावियां रुखा वाले असे कत्ते दा असर शादाबियां ते चमन विच खजामा ने खोन लगा। एक आखिरी गल कि मैनू सुख दी नींदर नहीं सौन देता मेरे अंदर जो जागदा चोर राती पकड़ मेरा अफजाल जमीर जिंदा बहरे अवस्थे अंदर डबोन लगा।
साढ़े भाई चौधरी यासर साहब चौधरी उमर साहब चौधरी एहसान और चौधरी नासर साहब संग्राल तू इन्हें दोस्तों पुरानी चाहत मुताबक शेर एक मोहतरम चौधरी तनवीर आसी सरकार ने लिखा होया अक्सर बेशतर मैं अपना मेरे उस्ताद मोहतरम किबला राजे नदीम अख्तर साहब फखरे जादली बड़े अच्छे तरीके से पेश किया मैं उस तरीके से पेश ना कर सकना लेकिन कोशिश करता आवाज रही गए तनवीर लखा मेरे वांग तेनू किसे जाना नहीं दो चार गला बतर्ज बैत तो दोस्तों ने पिछले खिदमत कर सा क्योंकि चौधरी आसर साहब ने खसूसी फरमायश हुई है तकरीबन हर साल या सारी महफल जैसा नाल मौजूद होने शेर ज्यादातर बतर्ज बैत ही पसंद करने इन्हें चाहत है दो चार गला जिस तरह जी फरमैश है इन्हें नाल दीगर जितने दोस्त बाप चौधरी बिलाल जनाब मोहतरम नुमान साहब ताहिर साहब जनाब चौधरी आमद साहब मोहतरम अरसलान साहब असीम अवैस साहब मोहतरम मुलाजम साहब मोहतरम जमाल साहब जायद साहब उमर साहब एहसान साहब एंड नासर साहब इन्होंने पसंद एक शेर चौधरी यासर साहब ने पसंदीदा बेशवा बदमा में पेश होया है शेर मोहतरम मेरे उस्ताद ग्रामीण चौधरी अमीर बख्श बड़े प्यार वाले शेर पढ़ने उड़े से अल्लाह पाक उन्हां दी लंबी जिंदगी ता फरमान ओही शेर चौधरी यासर साहब की चार मुताबक दीगर इन्हों जितने दोस्त है बाग होने इन्हें सारे निपसा के मुताबक आवाज कुछ इसी के ला दी थी बिस्मिल्ला जी
मुस्तफा साहब साड़ी वजह में तशरीफ फरमाए एक शेर मलक साहब वास्ता खुशी के पल्ले जर होवे अपना दर होवे जिन्हें बाबा जी चार पैसे कोल होन बड़े यार बनने पल्ले जर होवे अपना दर होवे हस हस के छाती मलाए संगी ओले अखियां तू पालना होन देवे नाल कदम दे कदम मलाए संगी जिस टाइम जोबन जवानी होवे ते इह बुझाना पल्ले जर होवे अपना दर होवे अस अस के छाती मलाए संगी ओले अखियां थी पालना होन देवे नाल कदम दे कदम मलाए संगी छुरी मतलब दी बगल दे हिठ रख के बड़िया चावां नाल कोल बठाए संगी ऐसे संगी नू मारो सलीम गोली वेले तंगी जो कम ना आए संगी एक शेर बहता ने रंगी फिर जनाब साढ़े भाई कुछ अर्सा पहले जनाब साढ़े भाई रईस साहब डॉक्टर रईस इस दुनिया फानी तो कुछ करके उन्होंने याद की बिता दा करता एक दो मैं मिस मिला नहीं
ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਲ ਸਜਾਦ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਲ ਬਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਰਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਅਲ ਸ਼ੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਨਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ दीवाना जिस वे बुढ़ापे विच पहुंचया तो महबूब री तरफो कासद आया कासद आण के जिस वक्त महबूब ना पैगाम दीवाने की दिता तो दीवाने उसकी सदा की उस कासद नाल मुखातब हो गए उस गल दी तर्जमानी साई अहमद अली रानी सरकार ने हथा नहीं हुई बड़े प्यारे जे अंदाज नाल साढ़े संगी भी ने तो बराब ने जनाब चौधरी यासर साहब तकीब नान तलक चौधरी आबद साहब दीगर इन्हें नाल जितनी संगत है इन सारे निशान के मुताबिक आवाज की जिस तरीके से बिस्मिल्लाह जी जिस वक्त कासा दाड़ का पैगाम देता तो दीवाना कासा दाल मुखातब या तो कि गल तैरी की।